नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको मारुति एसटीएम के हुड के नीचे कौन से फ्लूइड रहते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बढ़ूंगा आगे पावर स्टीयरिंग फ्लूइड के पास। तो ये है पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। तो इसको मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है, इसके ऊपर लिखा भी रहता है। तो ये था पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आता है ब्रेक फ्लूइड। तो ये है ब्रेक फ्लूइड का कंपार्टमेंट। इधर आपको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ब्रेक फ्लूइड। कभी भी आपका ये ब्रेक फ्लूइड का लेवल ड्रॉप होता है तो आपको समझना चाहिए कि आपके ब्रेक फ्लूइड लाइन में कुछ तो लीकेज है, नहीं तो इसका लेवल ज़्यादा से ज़्यादा सेम रहता है, ड्रॉप नहीं होता है। तो मैं बढ़ता हूँ आगे और ये मैं खोल रहा हूँ इंजन ऑयल का कंपार्टमेंट। तो अगर आप अपना इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं या आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना है तो इधर आप इंजन ऑयल डाल के टॉप अप कर सकते हैं। और अगर आपको आपका इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है तो इधर से आपको ये बाहर निकालना पड़ेगा, ये डंडा, और इससे आप अपना इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट आता है इंजन का कूलेंट। तो ये है कूलेंट का कंपार्टमेंट। इसको खोल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं कूलेंट का लेवल मेरा थोड़ा इधर कम है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब फ्लूइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब टॉप अप किए रहने चाहिए हमेशा, ये कभी भी कम नहीं होने चाहिए। तो ये कूलेंट ऐसे पाइप में होके इधर रेडिएटर में जाता है। तो ये आपको गाड़ी चलाने के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही गर्म रहता है। तो इधर आप देख सकते हैं सब इधर कूलेंट इधर आया हुआ है। तो इसे मैं फिर से क्लोज करूँगा। फिर से आपको बोलूँगा कि जब आपकी गाड़ी गर्म है तभी कभी भी ये मत खोलिएगा, क्योंकि इसमें से स्टीम आता है, इससे आप पूरे जल सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगा आपके विंडशील्ड वाइपर्स का फ्लूइड। जब आप अपने वाइपर्स ऑन करते हैं तो फ्लूइड वो गिरता है, वो इस कंपार्टमेंट में रहता है। तो ये हमेशा आपको फुल रखना है सोपी वाटर के डाल के। तो नेक्स्ट और लास्ट आता है बैटरी, और बैटरी में भी पानी रहता है। तो आपके बैटरी के पानी चेक करते रहिएगा और ड्रॉप हुआ हो तो उसमें डिस्टिल वाटर डाल के फिर से टॉप अप करिएगा, नहीं तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। ये बैटरी आप कभी कभी बैटरी चार्जिंग शॉप पे जाके चार्ज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे सब वीडियो देख के खुद के रिपेयर करके बहुत सारा पैसा बचाइए। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।